तो स्वागत करते हैं हम आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं क्रिस का आधार कार्ड सही कराने। आधार कार्ड ठीक नहीं हुआ था, हमने लेटर वाले थे लेकिन आधार कार्ड सही कराने गए थे। और स्कूल में अगर आधार कार्ड सही नहीं होगा तो उसका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के लिए मना कर रहे हैं, तो उसके लिए आधार कार्ड सही कराना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम क्रिस का वैसे आधार कार्ड सही कराने जा रहे थे और क्रिस देखो अपना पैंट सफा कर रहा है, थोड़ा गंदा हो गया था। क्या भाई गंदा हो गया? तो दोस्तों क्रिस अपना मतलब पैंट भी सफा कर लिया है। और ये देखो दोस्तों यहाँ है बजरंग बली, देख सकते हो। और थोड़ा यहाँ से पानी पीते हैं, पानी पीने का भी अच्छी व्यवस्था है, थोड़े से पानी पीते हैं फिर निकलते हैं। दोस्तों क्रिस ने अपना पैंट भी सफा कर लिया और हम निकल रहे हैं यहाँ से। क्यों भाई? तो दोस्तों क्रिस हमें कह रहा है कि फोटो ले लो मेरा, लेकिन एक कार के पास फोटो लेने के लिए बोल रहा था लेकिन वो अंकल अंदर खाना खा रहे थे, हो गया इसका पोपट। फोटो लेने निकले सोच रहा था कार के अंदर से, मतलब कार के बाहर खड़े हो क्या था। हम रास्ते में हैं वैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपना आधार कार्ड सही कराने और वो रहा सामने क्रिस। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा आधार कार्ड सही कराने, चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं आधार कार्ड खुला है हमको देखा। चलिए आपको भी दिखाते हैं नीचे से। और देख सकते हो दोस्तों आधार कार्ड जैसे ही होता है आपको बंद है आधार कार्ड, आप देखते हैं क्या करना है, आपको भी दिखाते हैं। पापा के पास कॉल लगाते हैं, पापा बताएंगे क्या करना है। और दोस्तों फाइनली हम घर के लिए निकल चुके हैं, हम दोनों ऊपर बैठे हैं और हम दोनों जगह घर जा रहे हैं। और घर जाके दिखाते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और देख सकते हो उस साइड जाम लगा पड़ा है पूरा, अच्छा वाला बिल्कुल।